इसी संदर्भ में उन्होंने किसान आंदोलन किए, गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाया, शूद्रों को आगे बढ़ाया और महिलाओं की शिक्षा के लिए जो योगदान और बलिदान उन्होंने दिया उसको हम सभी जानते हैं। किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हें एक शिक्षिका के रूप में पढ़ाया ताकि वो शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने इस स्थिति को समझा कि एक महिला जो कि अपने बच्चों को एक संस्कार देती है, वही संस्कार आगे चल कर उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्हीं को लेते हुए उन्होंने महिलाओं की स्थिति को समझा और ज्योतिबा फूले ने माता सावित्री बाई जी को पढ़ाया और प्रथम शिक्षिका की उपाधि प्रदान की। फिर उन्होंने जो बलिदान दिया महिलाओं के लिए, उन्होंने जब भी वो पढ़ाने जाती थी, लोगों सब हम सभी जानते हैं कि उनके ऊपर सवर्ण जाति के लोग किस तरह से पत्थर फेंकते थे, कीचड़ उछालते थे। माता सावित्री बाई फूले इन सब चीज़ों को ना देखते हुए, अपना अपमान सहते हुए उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया वो हमेशा हमारे दिलों में आदरणीय रहेगा और उन्हीं के पदचिन्हों पे चल के हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।